जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस ताज़ा अपडेट में। यहां आज हम अगली बार फिर से लेकर के आ गए हैं हरियाणा मौसम समाचार। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हरियाणा जिले की मौसम की ताज़ा खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, हम आपको बता दें हरियाणा में 3 दिन तक बारिश, 11 जिलों में कल ओलावृष्टि की अलर्ट, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं, रात में 5.6 डिग्री गिरा पारा। जी हाँ, खबर को जानेंगे विस्तार से। हम आपको बता दें अगर आप हरियाणा से हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अपने जिले का नाम अवश्य लिखें। जी हाँ, हरियाणा में 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है 3 फरवरी यानी आज से 5 फरवरी तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। हवाओं की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में रात के तापमान में 5.6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पंचकुला में अभी यह सबसे कम 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानियों में बारिश से मौसम में फिर ठंडक घुल गई है। वहीं दिन भर शीतलहर चल रही है लेकिन धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली है। 11 जिलों में जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, भिवानी व चरखी दादरी में 4 फरवरी यानी कल ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हम आपको बता दें मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 14 साल में जनवरी में ये दिन सबसे ठंडे रहे हैं जबकि 8 साल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। 2016 के बाद ऐसी स्थिति आई है जब जनवरी में इतनी कम बारिश हुई है। दिसंबर 2023 में भी 2.8 mm बारिश हुई थी जब तब 54% की कमी आंकी गई थी। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हम आपको बता दें हरियाणा में कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार बारिश या ठंड से फसलों को लाभ होगा। सरसों व गेहूं की फसल को लाभ मिलेगा क्योंकि पिछले 2 माह में बारिश नहीं हुई है। जनवरी पूरी तरह से सूखी रही है। वहीं यदि ओलावृष्टि होती तो सब्जी और सरसों की फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जनवरी में अब से 2016 में प्रदेश में सामान्य से 99% कम बारिश हुई थी। 2004 में, वहीं 2006 में 2.4 mm, 2007 में 0.5 mm, 2008 में 2.2 mm और 2009 में 3.9 और 2011 में 0.8 mm बरसात हुई थी। जी हाँ, ये थी हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा अपडेट। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक इस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।